तो भाई वेलकम टू ट्रेवल विद सिनेमा, और आ गया ट्रेलर एनिमल का। व्हाट अ ट्रेलर, व्हाट अ ट्रेलर यार। मैं अगर बेस्ट पोर्शन बताऊं ट्रेलर का, बेस्ट सीन बताऊं, तो वो है भाई ट्रेलर का लास्ट सीन, जहां पे बॉबी देओल रणबीर कपूर को पेल रहा है। आप पूरा ट्रेलर देखो कि पूरे ट्रेलर में यार रणबीर कपूर जो है ना वो शाइन कर रहा है, सबको चीर फाड़ रहा है, लेकिन एंड पे बॉबी देओल उसको पेल रहा है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बॉबी देओल को ज़्यादा नहीं दिखाया, वो सिर्फ क्लाइमैक्स में जो है ना ट्रेलर के उसको दिखाया गया। और भाई साहब, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बॉबी देओल, मुझे वो बड़ा पसंद है। लेकिन ये मूवी जो मुझे एक्साइट कर रही है वो रणबीर कपूर की वजह से, और रणबीर कपूर को बॉबी देओल पेल रहा है, क्या खूबसूरत सीन था वो। और कहानी की बात करो तो जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है, जैसे जो है ना वो रणबीर कपूर अपने बाप को बोलता है कि हम एक्ट प्ले करते हैं, वो आप बोलो पापा पापा बाकी मैं एक्ट करूँगा, और वो जैसे बोलता है सुनाई दे रहा है मेरे को बहरा नहीं हूँ मैं, ओ यार क्या परफॉर्मेंस है। जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है मैं कसम से पता नहीं कितनी बार ट्रेलर को देख चुका हूँ, और मुझे एक सेकंड के लिए भी ट्रेलर ने बोर नहीं किया। जो पर्पस होता है ना ट्रेलर का, वो भाई कम्प्लीटली जो है ना वो सर्व करता हुआ नजर आ रहा है कि हाइप, आई एम हाइप्ड अप इस मूवी के लिए। मैं इतना हाइप हूँ कि यार मैं बता नहीं सकता, बस थैंक गॉड कि अभी दिन बहुत कम है इस मूवी को। इसके अलावा जो बी प्राक का म्यूजिक है जिसको जानी लिखा हुआ है, उसको भी यार थोड़ा सा सुनने को मिलता है, वो भी बड़े खूबसूरत है कि अगर तुझे कुछ हो गया तो दुनिया जला देंगे। भाई ये सारे इमोशन एक एक्टर जो है ना वो अपने बाप के लिए पोर्ट्रे कर रहा है, और ये चीज़ मैं देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। जब इसका टीजर आया तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मुझे यार इससे मोला जट वाली वाइब आ रही है, एंड नाउ हम 110% श्योर कि इसका एक्शन जो है ना वो भाई मोला जट की वाइब दे रहा है। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं सिर्फ 3 रीज़न के लिए इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। सबसे पहला भाई रणबीर कपूर, दूसरा इसका एक्शन, और तीसरा संदीप रेड्डी वांगा। इसे बोलते हैं कमिटमेंट, जो बंदे ने बोला वो डिलीवर किया, और जो ट्रेलर से इतना लग रहा है कि भाई बंदा डिलीवर कर रहा है। मूवी देख के तो क्या ही माहौल बनने वाला है, क्या फील आने वाली है, वो तो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। खुदा की कसम, आई कैन नॉट वेट फॉर 1st December। और यार रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस देखो, जैसे ट्रेलर स्टार्ट हुआ तो आई वॉज लाइक संजय दत्त बैठा हुआ है, ये कसम से मुझे लगा, लेकिन देन आई वॉज लाइक नहीं यार ये संजय दत्त नहीं है, ये रणबीर कपूर है, क्योंकि उसकी पूरी जो है ना मुझे वाइब आ रही है जो 90s में संजय दत्त था बड़े बालों वाला। जब जब मैं इसका पोस्टर देखता हूँ, कुछ गाना देखता हूँ, तो मुझे सिर्फ संजय दत्त नज़र आता है रणबीर कपूर में। आई डोंट नो ये आपके साथ भी है या सिर्फ मेरे साथ, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मुझे ट्रेलर बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। एक एक शॉट आप उठा के देखो, और भाई साहब अनिल कपूर, वो तो भाई सरप्राइज पैकेज निकला है यार ट्रेलर में से, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस। मैं समझता हूँ ही इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर जो कभी 80 से जो है ना वो काम करते आ रहा है। स्पेशली अगर कपूर की बात करें तो भाई यहाँ पे बेस्ट नाम जो निकल के आता है हमारे पास वो है अनिल कपूर एज अ परफॉर्मर। जस्ट इमेजिन करो यार, और मूवी की लेंथ 3 घंटे से ज़्यादा है, और मैं तो भाई वेट नहीं कर सकता कि जल्दी से 1 दिसंबर आए और मैं जाके थिएटर में बैठ के आराम से इस मूवी को चिल करते हुए देखना चाहता हूँ। और वो कैसे रश्मिका का गला पकड़ा था, जैसे वो बोलती है कि आई विश ही डाई दैट डे, ऐसे गला पकड़ता है उसका, मुझे लगा मारेगा लेकिन उसका गला पकड़ लेता है। यार क्या मूवी होने वाली है, कसम से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत लंबी वीडियो बना सकता हूँ लेकिन मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, आप अपना भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मुलाकात है किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।